अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं फिरोज़ अहमद वानी आपका मेज़बान सियासी ऑपरेटर लाडारा। आपके सामने जो वीडियो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है एक ख़ास चीज़ के बारे में जो कि बच्चों के काम आने वाली है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है मगर इसका मकसद क्या है और ये क्यों हमने बनाई तो ये आपको बताएंगे। इसका नाम है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स और इसका जो मकसद है, क्योंकि आज लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों को स्टडी मटेरियल की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने सोचा चलो अगर हमसे कुछ हेल्प हो सके तो वेल एंड गुड। तो हमने भी थोड़ा प्रिपेयर करके बच्चों के लिए इसको पब्लिश करने की सोची, मतलब यूट्यूब पे, और इसकी लिंक ताकि सब तक ये पहुँचे। सिंपल नोट्स हैं लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करते करते शायद इसको एक्सप्लेन ना कर पाया, जिसका नाम है मदरबोर्ड। तो ये वीडियो सिंपल इसी के मुतालिक है। ये आप देखिए, हम इसको फोटोशॉप में एक स्पेशल टेक्निक के ज़रिए आपको बताएंगे। अलग अलग से इसके कंपोनेंट हम आपको थोड़ा यहाँ पर बताएंगे कि ये हैं क्या। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हीट सिंक के बारे में बताएंगे आपको कि हीट सिंक एक ऐसा कंपोनेंट है आपके सिस्टम में जो हीट को दूर करता है। यानी कि जब आपका सिस्टम जो है हीट ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है तो ये उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बाद नंबर है पीसीआई का, पैराफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। ये एक इनबिल्ट स्लॉट होता है आपके सिस्टम में जो मुख्तलिफ हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, साउंड कार्ड वगैरह, डिस्क कंट्रोलर और बाकी जो कुछ है, तो उसका आपस में तालमेल बनाए रखता है। हम आपको दिखा सकते हैं ये स्लॉट कहाँ पर अवेलेबल रहता है। ये देखिए, ये है यहाँ पर ये स्लॉट अवेलेबल। इसको हम वापस करते हैं अपनी जगह। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसका नाम है साउथ ब्रिज। जी, ये कोई पुल नहीं है बल्कि इसका नाम है साउथ ब्रिज। ये लॉजिकल चिपसेट है, एक कोर लॉजिकल चिपसेट है आपके मदरबोर्ड में, और ये रेस्पॉन्सिबल है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के लिए। इंटीग्रेटेड हार्डवेयर जिसमें कि साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड वगैरह जो कुछ आपके मदरबोर्ड पे है, यूएसबी, पीसीआई, ये सब चीज़ें जो हैं इन सब को कंट्रोल करता है। इसी तरह एजीपी है, एक टाइप का एक्सपेंशन स्लॉट है। हम आपको पहले दिखाएंगे ये एजीपी है क्या। एजीपी है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए खसूसन बनाया गया था 1996 में और पीसीआई का अल्टरनेटिव कहलाता था। अब बात करेंगे हम CMOS, कंटेम्पररी मेटल ऑक्साइड सप्लीमेंट्री सेल। जब आपके सिस्टम में डे टाइम का गड़बड़ हो जाता है तो आपको खुद ब खुद पता चलता है कि हमारे सिस्टम की जो सेल है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये वो सेल है जिसमें तमाम ये सब चीज़ें इसके इख्तियार में हैं। अगर इस सेल को कुछ हो गया, ये ख़राब हो गई, तो आप समझ लीजिए आपका बूटिंग में डिफ़िकल्टी आ जाएगा और इसके ड्राइवर्स भी गायब हो सकते हैं, यहाँ तक कि सिस्टम का जो टाइम डेट है वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि हर वक्त जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं आपका सिस्टम विदाउट टाइम और विदाउट डेट ऑन हो जाता है। फिर आपको जल्द बूट मेन्यू में जाके फिर से सेटिंग करनी पड़ती है
और या तो आपको डायरेक्टली कंटिन्यूअसली टाइम चेंज करना पड़ता है जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं। अब बात करेंगे हम ईथरनेट पोर्ट की। यह आप सबको पता है कि ईथरनेट पोर्ट के बगैर शायद आज की दुनिया भी वीरान जैसी लगती है। ईथरनेट पोर्ट ये रहा, ये एक जैक जैसा, एक सॉकेट जैसा आइटम आपके कंप्यूटर, ये हर चीज़, हर लैपटॉप में भी है, डेस्कटॉप में भी आता है। ये हमें लोकल एरिया नेटवर्क या मेन एरिया मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क या मेन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, हर एक चीज़ से जोड़ता है। सिंपली एक इथरनेट केबल आती है उसके ज़रिए। तो इसको हम बैक करते हैं। यूएसबी के बारे में आप सब जानते हैं, यूनिवर्सल सर्विस बस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको आपके लिए एडिट करके निकाला। ये देखिए आप, ये सिंपल सा एक पोर्ट होता है जहाँ पर आप अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, या पेन ड्राइव लगा सकते हैं ताकि आप डाटा ट्रांसफ़र कर पाओ। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो शायद अब हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका नाम था पैरेलल पोर्ट। आपके सिस्टम में यहाँ पर आता था 25 पिन वाला ये पोर्ट। देखिए, 1980 से लेके 2000 तक के जितने भी सिस्टम आते थे उनमें ये पोर्ट मौजूद था, और मुख्तलिफ डिवाइसेस इसके ज़रिए कनेक्ट होते थे। लेकिन यूएसबी के आने के बाद इसका गुड बाय हो गया। इसको भी अपनी जगह लेते हैं। ये है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि इसके साथ एक मॉनिटर के साथ एक केबल आती है जिसके ज़रिए आप को जो कुछ अच्छी तरीके से नज़र आता है, वो ग्राफिक्स वगैरह, यही वो पोर्ट है जिसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं अपने मॉनिटर के साथ। इसको हम VGA कहते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। शायद नए बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन पुराने सिस्टम में एक और चीज़ थी, उसका नाम था PS2, पर्सनल सिस्टम 2 इसका नाम था। इसमें दो पोर्ट आते थे, आपका माउस और आपका कीबोर्ड, PS2 वाले कीबोर्ड और PS2 वाले माउस। तो ये दो पोर्ट ऐसे थे, इनमें हम माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करके हम उनको यूज़ करते थे। ये स्लॉट आप देख रहे हैं, इसको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से जाना जाता है। ये मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को कॉन्फ़िगर करता है, और इसको डिज़ाइन किया हुआ था इंटेल ने 1995 में। अब जिस चीज़ की बात करेंगे, इसको कौन नहीं जानता, ये है DRAM, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक किस्म का सेमीकंडक्टर है ये डाटा, जो डाटा प्रोग्राम कोड जो आपके जो उमूमन इस्तेमाल होता है सिस्टम के ज़रिए, आपके कंप्यूटर के ज़रिए उमूमन इस्तेमाल होता है, ये हर अगर ये ना होगा तो आपका सिस्टम सबसे पहले बूट ही नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके बगैर आपका सिस्टम बिल्कुल अधूरा है। ये है IDE पोर्ट। IDE पोर्ट का मतलब है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टैंडर्ड टाइप का कनेक्शन
स्टोरेज डिवाइस जो आपके सिस्टम में हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव आपस में कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड के साथ। ये है सीपीयू सॉकेट, यहाँ पर आपका सीपीयू बैठता है, सीपीयू फिट होता है, आपको दिखा भी देंगे। अगर हम ये देखें, इसमें सीपीयू का ये स्लॉट है, क्योंकि सीपीयू के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं सीपीयू, तो यहाँ पर ये फिट नहीं बैठेगा। ये पुराना वाला सिस्टम है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं अलग अलग से, वो आगे डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और हाँ, इसमें कई और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस वक्त हम ज़्यादातर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है और आपके पास सुनने का उतना टाइम भी नहीं है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।